अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने गोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फ्रेड ब्रुक की सेइंग को देखेंगे। द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइड व्हाट टू बिल्ड। जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है तो आगे मुश्किल नहीं होता। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, व्हाट टू बिल्ड, और ये रिक्वायरमेंट के फेज में ही डिसाइड करना होता है। अगर कोई एरर है और वो रिक्वायरमेंट के फेज़ में आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आगे डिज़ाइनिंग कोडिंग में चला गया और टेस्टिंग में जाके आइडेंटिफाई किया, तो फिर रीवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मतलब रीअनालाइज होगा, रीडिज़ाइन दोबारा से करनी होगी, फिर रीकोडिंग करनी होगी और फिर टेस्टिंग दोबारा से होगी, तो रीवर्क बढ़ जाता। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कोडिंग के फेज़ में इशू आया और टेस्टिंग के फेज़ में जाकर हमने आइडेंटिफाई किया है कि एरर कोडिंग के फेज़ में आया था, तो ज़्यादा रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ रीकोडिंग होगी और रीअनालाइज नहीं करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से कम यूज़ होगी, क्योंकि एरर जो है वो स्टार्टिंग के किसी फेज़ में नहीं आया, वो एंडिंग के फेज़ में आया। स्टडी बाय स्टैंडर्ड ग्रुप 1994 से 2015 तक। इसमें 3 पार्ट्स हैं, फेलियर, सक्सीड, चैलेंज। अब फेलियर वो पार्ट है प्रोजेक्ट का जो कि कंप्लीट ही नहीं हुआ, सीरियसली वो फंक्शनैलिटीज चली ही नहीं होंगी, वो काम ही नहीं की होंगी, रन नहीं की गई होंगी, रन नहीं हुई तो वो फेलियर में आ गई। सक्सीड मतलब 4 ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो फंक्शनैलिटीज होंगी, आपके प्रोजेक्ट का वो पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा होगा। 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन थे? क्वालिटी वाला, टाइम पर ख़त्म होगा, विद इन बजट होगा और कस्टमर की नीड्स के मुताबिक होगा। अब चैलेंजिंग पार्ट में आते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट का पार्ट जो कंप्लीट हुआ है बट उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं किया। जिस तरह कि अगर कोई पार्ट है प्रोजेक्ट का, कोई फंक्शनैलिटी है, वो क्वालिटी में भी अच्छी है, टाइम पे भी ख़त्म हुई है, कस्टमर की नीड के मुताबिक है, बट उसकी वजह से बजट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो ये चैलेंजिंग पार्ट है। इस तरह से परसेंटेज बताई हुई है 2015 तक, 1994 से लेकर 2015 की देखते हैं, उसमें 36% जो है वो सक्सीड पार्ट है, 45% जो है वो चैलेंजिंग पार्ट है और फेलियर 19% है। इसके बरक्स अगर 1994 वाला देखें तो उसमें 16% जो है वो सक्सीड पार्ट है, चैलेंजिंग पार्ट 53% है और 31% फेलियर है। अगर हम इस पूरे ग्राफ को देखें तो हमें पता चलता है कि पहले जो कि अर्ली टाइम पीरियड था उसमें इतनी सक्सीड नहीं थी, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं किया जाता था, चैलेंजिंग पार्ट ज़्यादा था, सक्सीड पार्ट कम था, फेलियर भी था लेकिन वो थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू चैलेंजिंग के। और अब के अगर टाइम में देखें 2015 की रिसर्च के मुताबिक तो सक्सीड पार्ट ज़्यादा है, चैलेंजिंग कम है एज़ कम्पेयर टू 1994 के, और फेलियर भी कम है एज़ कम्पेयर टू 1994 के। तो इससे ये पता चलता है कि अब के दौर में लोग 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। द केओस रिपोर्ट 1995, 365 आईटी मैनेजर्स थे जिन्होंने ये रिपोर्ट क्रिएट की थी, जिसमें यह है कि प्रोजेक्ट क्यों फेलियर और सक्सेस की तरफ जाता है। प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाने की सबसे बड़ी वजह इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है जो कि 13.1% है, और दूसरी बड़ी वजह लैक ऑफ यूज़र इन्वॉल्वमेंट है, 12.4% है। इसी तरह लैक ऑफ रिसोर्स 10.6% है और बाकी भी फैक्टर्स हैं जो कि गिवन है। एसपीटी सर्वे है 1995 में हुआ था, 3800 इसमें रिस्पॉन्स दिए थे, मेजर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम और नेवर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन है। माइनर प्रॉब्लम में इन ऑल फेजेस, हर फेज में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन नेवर ऑफ प्रॉब्लम में कोडिंग आती है, मतलब कोडिंग कभी प्रॉब्लम नहीं रही। और हम स्टूडेंट्स को लगता है कि कोडिंग ही मेन प्रॉब्लम है, हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में होती है, मैनेजमेंट में ऑफ रिक्वायरमेंट में होती है और डॉक्यूमेंटेशन में होती है। ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ जाता है। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग रिक्वायरमेंट एरर एट डिफरेंट स्टेप्स। यहाँ एक टेबल गिवन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फेजेस हैं और राइट हैंड साइड पे उसकी कॉस्ट है। अगर रिक्वायरमेंट के फेज में कोई एरर आया है तो उसकी कॉस्ट 0.1% से लेकर 0.2% तक होगी, मतलब अगर रिक्वायरमेंट के फेज में कोई एरर आया है और निकाल भी लिया है तो उस पर उसकी कॉस्ट हमारी सबसे लेस होगी। और अगर डिज़ाइनिंग के फेज़ में कोई एरर निकाला है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट के फेज़ में एरर आया था बट वो निकाला नहीं गया और डिज़ाइनिंग के फेज़ में वो एनालाइज हुआ है, तो उसकी कॉस्ट 0.5% होगी। इसी तरह अगर कोडिंग के फेज़ में एरर आया है
और पिछले किसी फेज में नहीं निकाला गया तो उसकी कॉस्ट 1% होगी। यूनिट टेस्टिंग के फेज में अगर एरर आया है तो उसकी 2 होगी। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के फेज में अगर कोई एरर आया है तो उसकी 5% होगी। अगर मेंटेनेंस के फेज में जाकर वो एरर आइडेंटिफाई हुआ है तो उसकी कॉस्ट 20% होगी, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट है। इसीलिए अगर कोई एरर आया है तो वो रिक्वायरमेंट के फेज में अगर निकल आए तो उसका ज्यादा फायदा, उसकी कॉस्ट भी आपकी कम यूज होगी एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस के फेज में। रीजन टू मेक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर क्या है? यूजर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो 16%, मैनेजमेंट सपोर्ट करे 14%, रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए 13%। अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल होंगी तो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होगा। नॉन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3, यूजर इन्वॉल्वमेंट हो। नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायरमेंट एज दे चेंज। नंबर 5, चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं। ट्रेसिबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी क्या है कि इसमें देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट में दी गई थी वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो एक डिसिप्लिन प्रोजेक्ट बनेगा, अदरवाइज फेलियर की तरफ जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह।